वेलकम टू हरगढ़ पाठशाला। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज टॉरस स्लिप थ्योरम, मेंटोरीमीटर एंड हार्ट अटैक। तो मेरे दो वीडियो मैंने आपको पीछे डाले हैं, आई होप आपने लाइक किए हैं। इफ यू लाइक देन सब्सक्राइब माय चैनल एसके क्लासेस फॉर फिजिक्स। व्हाट इज द टॉरस स्लिप थ्योरम? बेसिकली इट स्टेट्स दैट द वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स ऑफ ए लिक्विड थ्रू एन ऑरिफिस इज इक्वल टू दैट व्हिच ए बॉडी वुड एक्वायर इन फॉलिंग फ्रीली थ्रू ए डिस्टेंस इक्वल टू डेप्थ ऑफ द ऑरिफिस बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज सम टेक्निकल वर्ड दैट एफ्लक्स। एफ्लक्स मींस क्वांटिटी, मींस कंटेंट। कंटेंट मींस कंटेंट ऑफ लिक्विड। वी कैन से कंटेंट ऑफ द लिक्विड थ्रू एन ऑरिफिस। ऑरिफिस मींस ओपनिंग। दिस इज ओपनिंग, मींस दिस इज ओपनिंग। वी कैन से इट एज ओपनिंग, स्मॉल ओपनिंग। वी कैन से इट एज ए ओपनिंग एंड वी कैन से इट एज ए व्हिच एफ्लक्स मींस दैट इज अ कंटेंट। कंटेंट मींस लिक्विड का कितना कंटेंट है। लिक्विड। नाउ सपोज हमारे पास एक कोई कंटेनर है, ये देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई कंटेनर है, इसके बीच में क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड इज इनसाइड इट। इसमें लिक्विड भरा हुआ है, मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक नैरो ओपनिंग ले लेते हैं, यहाँ से कोई ओपनिंग ले लेते हैं। मान लीजिए जो ओपनिंग है इसका जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है ये दैट इज एच डैश फ्रॉम ग्राउंड, इसको बोलेंगे ऑरिफिस। क्या बोलेंगे इसको? ओपनिंग को क्या बोलेंगे इसको? ऑरिफिस। तो यहाँ से क्या निकलेगा? लिक्विड बाहर निकलेगा विद सम वेलोसिटी बी, बी वेलोसिटी बाहर निकलेगा और इस तरह से लिक्विड बाहर आएगा और इस तरह से ग्राउंड के ऊपर आकर के गिर जाएगा, ग्राउंड के ऊपर गिरेगा। ओपनिंग से आपको तो इस यहाँ होगी ओपनिंग, इस तरह से गिरेगा, जहां भी ओपनिंग होगी उस तरह से लिक्विड बाहर निकलता है और यहाँ भी गिर जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये जो ओपनिंग है, ओपनिंग से लिक्विड बाहर आ रहा है या और सपोज दिस हाइट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच, तो टोटल हाइट कितनी होगी इसकी? टोटल हाइट होगी टोटल इक्वल टू एच प्लस एच डैश, दिस टोटल हाइट ऑफ द दिस लेवल ऑफ द लिक्विड एंड लिक्विड इज फ्लोइंग हेयर फ्रॉम हेयर। Now the velocity, but he want to say, first of all we understand it, कि जो velocity इसकी होगी, जो b निकलेगा हमारे पास, that is equal to the, कि अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ से एक vacuum में एक यहाँ से stone drop करते हैं, इस height से यहाँ से एक stone drop करते हैं, तो आपको पता जब हम drop करेंगे तो उसकी velocity zero होगी, जब ये मूव करेगा तो उसकी velocity बढ़ती जाएगी और इस point के ऊपर, इस height के ऊपर, h height के ऊपर आकर इसकी it will acquire some velocity, that's so that velocity is equal to v. u is equal to 0 here, but we know that b square is equal to 2gh, then b is come to be equal to 2gh ka under root. This is the velocity of a stone when it falls from certain height h and falls to here. It will acquire here velocity is equal to 2gh, as we know by the due to gravity concept by the equation of motion. Because this is the uniformly accelerated motion. If it is uniformly accelerated motion, it will acquire velocity is equal to 2gh. Our this toy series says this. What the torus series want to say is, when the liquid will comes out from here, from same height h, then it will, this b also equal to 2gh root. We have to prove it. Okay, ye jo b hoga, it is also equal to, so we will use here the our Bernoulli's theorem, we will use, and we will prove it by using the Bernoulli's theorem, Bernoulli's principle ko use kar karke. To main yahan se ek baat karun, maan lijiye hamare paas ye a point aur this o point hai. If we apply the Bernoulli theorem for these two points, see for these two points we have to apply the Bernoulli theorem. Here height is h dash, here height is totally equal to h. Then we have to apply this Bernoulli theorem here. See at point A what is the velocity of the liquid? Because liquid is at rest, small liquid bahar aa raha hai, koi fark nahi padega. To yahan pe b1 kitna ho jayega? Zero ho jayega. B1 is equal to zero. Yahan b2 is equal to kiske barabar hoga? B ke barabar hoga. To Bernoulli theorem apply karte hain, maan lijiye yahan pe pressure, air pressure hoga yahan pe, to p hoga, yahan bhi air, air contact mein to yahan bhi pressure p hoga, pressure mein to koi difference nahi hoga, density dono ka kya rahega, same rahega. Agar is cheez ko main yahan apply karun to mere paas kya aa jayega, yahan par hum yahan pe p hai, yahan bhi p hai, mere paas hoga p plus half into rho into b square. Here is a b square means that is
what is the b1 square plus g into h plus h dash आ जाएगा. क्यों आ जाएगा? क्योंकि total height is equal to h plus h dash is equal to which one here is equal to p plus because pressure is same half into rho into v2 square plus g into h dash g into h dash. मैंने क्या किया यहाँ पे Bernoulli's theorem apply की because pressure here the pressure is same in both cases pressure is same here the velocity is v1 here velocity is v2 and here is g plus h plus h dash here is g into h dash it will comes to equal to g into h. So you can use here either you can use here rho you can here is rho into g into h आएगा यहाँ पे भी क्या आएगा आपका rho into g into h dash. तो देखिए इस तरफ से p से p कैंसिल आउट हो गया और बी कैन राइट हाफ इनटू यहां भी ये भी जीरो हो जाएगा व्हाई बिकॉज़ b1 इज इक्वल टू जीरो इनिशियल वेलोसिटी यहां पे कितनी है जीरो है तो आपके पास बात क्या बस है रो इनटू g h प्लस h डैश माइनस रो इनटू g इनटू h डैश दैट इज इक्वल टू हाफ इनटू रो इनटू b का स्क्वायर यू विल गॉट दिस. नाउ व्हाट विल हैपन हियर सी दिस इज रो g h डैश रो g h यू विल गॉट ओनली रो g यू विल गॉट rho into g into h that is half into rho into v square. Now rho से rho cancel हो गया but is b square equal to that is 2 into g h and v is equal to 2 g h का under root. From here if you see this b, this small b, this is the small b, velocity of flux. See small b is equal to capital b if you see this thing. Whatever the velocity acquired by the stone, any object, when it is fall from certain height, see this height h from this point to this point, it will acquire the velocity equal to 2gh root. Similar case, when the liquid will come fall out from here, it will acquire the same velocity. Both the velocities are same and this is your which one here? Torsil theorem kya bol rahi hai? It states that the velocity of flux, jo content ki jo velocity hai liquid ki, जो कि किसी कंटेनर में से बाहर निकल रही ये वेलोसिटी बराबर है जो हम वैक्यूम में कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सेम डेप्थ से छोड़ेंगे तो ये दोनों वेलोसिटीज क्या होगी इक्वल होगी और यहां से आप देख रहे हैं दोनों वेलोसिटीज क्या आ गया इक्वल आ गई. तो सर Torsilli लॉ तो वी हैव प्रूव द Torsilli थ्योरम दिस योर Torsilli थ्योरम. लेकिन आप इस चीज को देख रहे हो यहां से लिक्विड ऐसे पड़ रहा है तो आपने इस तरह का कोई केस पढ़ा है कौन सा ये पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है. अगर पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है तो इट हैज सर्टेन रेंज इट हैज सर्टेन रेंज तो r is its range कितने दूर पड़ेगा तो हमें पता है range किसके बराबर होती है range is equal to velocity into time because you know horizontal there is a horizontal distance में velocity हमेशा same रहेगी constant रहेगी तो v into t हो जाएगी आपकी. अगर मैं यहाँ से एक relation लगाऊँ that is we will got here the relation that is s is equal to h is equal to ut plus half at square gt square यहाँ पे हो जाएगा. तो व्हाट अबाउट एच 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 यहां पे रहेगा हमारे पास तो एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. जब ग्राउंड के ऊपर आकर के पड़ेगा तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो जीरो इज इक्वल टू यू टू टी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वी है तो यू विल गॉट हियर यू टू टी यू इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो यू विल गॉट हियर हाफ इनटू जी इनटू टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू योर here is h means h is there half into gt square then what is t square equal to 2gh then t is equal to 2gh ka under root aa jayega t is comes to 2gh ka under root. Now what we do we know this velocity also what is this velocity is your this is 2gh dash is there 2gh dash aa jayega because here is h dash तो व्हाट वी गॉट आर रेंज किसके बराबर आ जाएगी बी कितना है 2gh का अंडर रूट इनटू 2gh डैश का अंडर रूट. तो जब इसका अंडर रूट होगा तो आपके पास क्या जाएगा हियर 2g बाहर आ जाएगा h इनटू h डैश का अंडर रूट आ जाएगा दिस इज द रेंज हम लोग रेंज निकाल सकते हैं इसकी तो ये रेंज होगी हम इसके रेंज निकाल सकते हैं कितने दूर ये लिक्विड आकर के पड़ेगा रेंज में कास्ट है क्योंकि ये तो हमने प्लस वन में पहले केस किया और पैराबोलिक पाथ का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस के लिए हम लोग इसकी रेंज निकाल सकते हैं तो ये हम लेकर निकाल इसकी रेंज निकाल लिए. अब बात आती है बेंडोइंग मीटर. अब बेंडोइंग मीटर क्या होता है वो हमें डिस्कस करना है कि बेंडोइंग मीटर इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड means Bendori meter it is a device used to measure the rate of
फ्लो ऑफ लिक्विड। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड का मीनिंग क्या हुआ कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पर सेकंड किसी पाइप में से कितना फ्लो कर रहा है। मान लीजिए हमारे घर में हम लोग मीटर लगाते हैं, जैसे पानी का मीटर लगता है, या तो हमें डायरेक्ट बिल आ जाता है या तो फिर कहीं पे जैसे अर्बन एरिया वहां पे मीटर लगेगा। तो मीटर क्या बताएगा कि आपने कितना कंजप्शन किया, तो आपको एक सेकंड में कितना पानी आपके घर में आ रहा है, 10 लीटर आ रहा है, 2 लीटर आ रहा है। तो पाइप पाइप के साथ हम मेटोरी मीटर लगाएंगे, वो हमें बता देगा इतना पानी एक सेकंड में आ रहा है, तो एक घंटा अगर पानी आएगा तो कितना पानी आपने आपके घर में आ रहा है, मीटर उसकी रीडिंग दे देगा, हम पर लीटर के पैसे उससे कलेक्ट कर लेंगे। ये तो छोटी सी बात है, लेकिन जैसे हमें पता कि मथुरा से या बाहर से हमारे गुवाहाटी से किसकी ऑयल की क्या आ रही है, पाइप्स आ रही है। जब ऑयल की पाइप्स आ रही है हमें ये पता लगा रहे हैं हम उसको कैसे मेजर करेंगे कि एक सेकंड में कितना लिक्विड कितना तेल हमारे पास पहुंच गया करके। तो हम बैटरी मीटर लगाएंगे किसी उस पाइप के ऊपर, हमें पता लगेगा एक सेकंड में इतना निकल रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड कितनी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड कितना है। अगर एक सेकंड में पता लगेगा एक आवर में कितना लिक्विड आ गया, तो हमें कितना हमारे पास तेल पहुंच गया वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि पाइप में एक सेकंड में कितना तेल आ रहा है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई ट्यूब है, ये हमारे पास कोई पाइप है, मान लीजिए ये पाइप है और ये पाइप को क्या करेंगे हम बीच में से काट देंगे और यहाँ पे बैटरी मीटर फिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे हम बैटरी मीटर फिक्स करेंगे तो बैटरी मीटर कैसा होगा आपका, यहाँ से मान लीजिए मैंने कह दिया बैटरी मीटर यहाँ से फिक्स कर दिया, ये हमारा क्या होगा बैटरी मीटर, इस तरह से हम लोग बैटरी मीटर बनाएंगे, ये आपका बैटरी मीटर बन जाएगा। और इस बैटरी मीटर को क्या करेंगे, इसको बिल्कुल कनेक्टेड विद दिस कनेक्टेड विद पाइप, बिकॉज दिस आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, दिस इज अवर पाइप एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली हेयर अप टू हेयर, दिस इज अवर विच वन बैटरी मीटर, दिस इज बैटरी मीटर। यहाँ से हम थोड़ा सा इसको ओपनिंग रखेंगे और यहाँ से एक ट्यूब लगा देंगे हम लोग, ग्लास की ट्यूब लगा देंगे ऊपर को और एक ट्यूब हम यहाँ से निकाल देंगे, इसकी एक ट्यूब यहाँ से निकाल देंगे मान लीजिए। अब ट्यूब हमने निकाल दी और इस तरफ से बड़ा है तो मैं थोड़ा बड़ी कर देता हूँ अब इसको भी 2 लीटर को। अब इसमें क्या फ्लो हो रहा है आपका, लिक्विड फ्लो हो रहा है। अब लिक्विड यहाँ से फ्लो हो रहा है, लिक्विड इज फ्लोइंग हियर, हमने निकालना है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। तो दिस इज अवर बैटरी मीटर वी हैव अटैच्ड हियर बाय कटिंग द पाइप। अब मान लीजिए यहां से लिक्विड फ्लो कर रहा है तो इट हैज अ सर्टेन एरिया ऑफ सेक्शन A1 एंड इट्स वेलोसिटी हियर इज दैट इज B1, हियर इज द स्पीड इन दिस केस, हियर सपोज एरिया ऑफ सेक्शन इज A2 एंड वेलोसिटी इज B2, बिकॉज़ दिस द केस, हियर द सेम A1 B1 बिकॉज़ एरिया ऑफ सेक्शन हियर इज A1 एंड B1 बिकॉज़ पाइप का क्रॉस सेक्शन सेम है। हमारे पास दो पॉइंट आ चुके हैं, दिस इज पॉइंट A एंड पॉइंट B। अब यहां पे देखिए क्या होगा कि जैसे यहां से लिक्विड फ्लो करेगा, जब लिक्विड फ्लो करेगा तो उसको कुछ प्रेशर होगा, प्रेशर कारण लिक्विड क्या होगा इस पाइप में ऊपर को राइज कर जाएगा और यहाँ पे भी लिक्विड ऊपर को राइज कर जाएगा। अब एक बात मैं बताता हूँ, हमें पता है कि अगर वेलोसिटी ज्यादा हो तो प्रेशर कम होता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि अगर हम बर्नौली थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो बर्नौली थ्योरम क्या, सॉरी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलती है कि अगर एरिया कम हो तो प्रेशर ज्यादा, एरिया वेलोसिटी ज्यादा हो तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा इसलिए यहाँ पे इसकी हाइट यहाँ तक ही आएगी, मान लीजिए इसकी हाइट यहां तक आएगी और मान लीजिए ये जो हाइट है दैट इज सपोज H1 और इसकी हाइट ज्यादा क्यों आएगी, ये ज्यादा ऊपर को राइज करेगा, क्यों करेगा राइज, H2 तक करेगा, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस होगा यहां से यहां तक सपोज दैट इज इक्वल टू H, दैट इज इक्वल टू H, यहां से लिक्विड ऊपर को राइज करेगा, यहां से लिक्विड ऊपर को राइज करेगा। मान लीजिए अब यहां पे जो हमारा प्रेशर है वो P1 है और यहां पे प्रेशर कितना है P2 है, इसका लिक्विड का प्रेशर यहां P1 है, यहां P2 है, यहां वेलोसिटी V1 है, यहां V2। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर हम लगाते हैं, जितना लिक्विड यहां से जाएगा पूरा लिक्विड यहां से भी निकलेगा, क्यों, क्योंकि एज पर द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यहां से वेलोसिटी बढ़ जाएगी, स्ट्रीम लाइन क्लोज हो जाएगी, स्ट्रीम लाइन क्लोज हो जाएगी, लेकिन स्ट्रीम लाइन क्लोज होने का मतलब होगा कि वेलोसिटी बढ़ गई, यहां पे वेलोसिटी बढ़ेगी लिक्विड की फिर कम हो जाएगी, मींस बोलने का मतलब यहां पे वेलोसिटी कम है यहां वेलोसिटी ज्यादा है। तो हम लोग लिखते हैं कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड पर सेकंड मींस वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड इज इक्वल टू A2 V2, दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ, व्हाट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ B2 को एलिमिनेट करना हमें B1 हमें चाहिए, B1 की वैल्यू चाहिए, A1 B1 अपॉन A2, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ व्हाट विल वी डू, वी विल यूज नाउ द दैट बर्नौली इक्वेशन हम लोग यहां पे यूज करते हैं। बर्नौली इक्वेशन क्या बोलती है कि P1 प्लस हाफ ऑफ
पी वन बाई रो प्लस हाफ ऑफ बी वन का स्क्वायर प्लस जी इंटू सी हेयर द हाइट, दैट इज हेयर द हाइट इज जीरो, देर इज नो नीड ऑफ हाइट बिकॉज इट इज ए लेवल लेवल पाइप. पी टू बाई रो प्लस हाफ ऑफ बी टू का स्क्वायर. बट वट विल यूज फॉर हॉरिजॉन्टल पाइप, फॉर बिकॉज आपकी पाइप कैसी है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल पाइप में हम लोग उसको मैजर कर रहे हैं. फॉर हॉरिजॉन्टल पाइप बी टू बाई रो प्लस हाफ बी टू स्क्वायर, एच की वैल्यू जीरो होगी यहां पे. तो आपके पास क्या आ गया, यहां से अगर हम लोग देखें तो यू विल गॉट हियर पी वन माइनस पी टू बाई रो इज इक्वल टू दैट इज हाफ ऑफ बी टू स्क्वायर माइनस बी वन का स्क्वायर. यू विल गॉट दिस बी टू स्क्वायर माइनस बी वन स्क्वायर. अब हम यहां पे बी टू की वैल्यू यहां पे रख देते हैं मान लीजिए, तो क्या रहेगा आपके पास, पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू रो इंटू, रो इधर चला जाएगा आपका, और हाफ इंटू रो इंटू दैट इज बी टू स्क्वायर मीन्स ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए टू स्क्वायर माइनस ऑफ बी वन स्क्वायर. बट वी गॉट नो हाफ इंटू रो, आई विल टेक कॉमन हेयर बी वन स्क्वायर इज द कॉमन, यू विल गॉट ए वन स्क्वायर डिवाइड बाई ए टू का स्क्वायर माइनस ऑफ वन, दिस इज योर पी वन माइनस b1 square per unit area, but is b1 square equal to b1 square is equal to 2 into p1 minus p2 divided by rho into a1 square divided by a2 ka square minus of 1 minus of 1, this will comes ye niche aa jayega iske to hame chala jayega. And what is b1 equal to 2 into p1 minus p2 डिवाइड बाई रो इंटू ए वन का स्क्वायर डिवाइड बाई ए टू का स्क्वायर माइनस ऑफ वन, और इसका अंदर रूट आ जाएगा आपके पास. तो पी वन हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन बट इज पी वन माइनस पी टू, यहां से देखिए पी वन माइनस पी टू बट इज पी वन इज इक्वल टू यू कैन राइट इट एज एच टू इंटू रो इंटू जी, एंड वट इज पी टू इक्वल टू दैट इज एच वन इंटू, आई थिंक यू कैन राइट इट एज पी वन इट इज पी टू, देयर इज नो प्रॉब्लम. Yeah, you can take it as P1, it is P2, then here you can write it, this height is H2, this is H1. Look, H1 into rho into G, and P2 is equal to H2 into rho into G. What is P1 minus P2? That is H1 minus H2 into rho into G. What is H1 minus H2? H1 minus H2, that is equal to H into rho into G. Then in place of P1 minus P2, we can write H rho G also. What we got here? क्या मिलेगा आपको, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं b1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू एच इंटू रो इंटू जी डिवाइड बाई रो इंटू ए वन स्क्वायर डिवाइड बाई ए टू का स्क्वायर माइनस 1. तो रो से रो क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा आपका. यू विल गॉट b1 इज इक्वल टू 2 एच जी डिवाइडेड बाई ए वन स्क्वायर डिवाइड बाई ए टू का स्क्वायर माइनस ऑफ 1, और इसका अंडर रूट. दिस Now, what we got? Rate of flow of liquid निकालना यहाँ पे हमने. Rate of flow of liquid क्या होगा यहाँ पे? What is the volume of the liquid flowing? That is A1 V1. Volume of the liquid flowing per second. That is A1 V1. What will we do? What is A1 V1? A1 into. If here we can do something. See what we can do here also. 2 into H into G divided by C A1 square minus of A2 square divided by A2 का square और इसका under root. ऐसे करते हैं तो ए टू स्क्वायर क्या होगा आपका, बाहर निकल जाएगा ऊपर आ जाएगा. आपके पास क्या आ जाएगा यहां पे, b1 इज इक्वल टू इस टोटल अंडर रूट होगा, इसका टोटल अंडर रूट होगा, टोटल अंडर रूट आपके पास आएगा ए टू इंटू टू एच जी डिवाइडेड बाई ए वन स्क्वायर माइनस ए टू का स्क्वायर और इसका अंडर रूट आ जाएगा. तो वट इज बी इक्वल टू वॉल्यूम द लिक्विड फ्लोइंग, बी इज इक्वल टू ए वन A1 V1 क्या हो गया, तो A1 into A2 under root 2HG divided by A1 square minus A2 square. इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, rate of flow of liquid per second. क्योंकि A1 हमें पता है, A2 हमें पता है, A2 भी हमें पता है, A1 पता है, A2 पता है, H height हमें ये निकाल ली है, बस
डिफरेंस निकालना इन दोनों के बीच में कितना हाइट में डिफरेंस आ रहा है, जी हमें पता है, ओनली ए वन और ए टू बी नो, ओनली वी हैव टू फाइंड दिस एच बाई दीज जीज ट्यूब्स एंड वी कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, दिस इज योर बेंटोरी मीटर। तो बेंटोरी मीटर से हम निकालते हैं कि किसी पाइप में पर सेकंड में से कितना वॉल्यूम उसमें से निकल, मास भी निकाला जाता है, उसको रो से गुणा कर दें तो क्या निकल जाएगा, उसका मास भी निकल सकता है। तो हम कितना मास उसमें से पर सेकंड में से फ्लो कर रहा है। अब हमारे पास है हार्ट अटैक, क्या है हार्ट अटैक। अब एक्चुअल में जो हार्ट है एक पंप का काम करता है हमारी बॉडी को, क्या करता है सप्लाई, ब्लड सप्लाई करता है ऑक्सीजन के साथ। तो हार्ट का काम है कि पूरी आर्टरीज को, जो हमारी इतनी पतली पतली आर्टरीज होती हैं, सारे ब्रेन तक हार्ट ने क्या करना है, खून को पहुंचाना और सारे नीचे तक खून को पहुंचाना। तो खून आता है हार्ट के पास आता है और हार्ट उसको पंप करके वापिस भेजता है। तो मान लीजिए जो आर्टरीज है, ऐसे हमारी आर्टरीज है, मान लीजिए ये आर्टरीज है। अब क्या हुआ कि जैसे हार्ट जो है वो क्या कर रहा है कि टू न्यूट्रन का काम कर रहा है कि ब्लड को ले जा रहा है, टू न्यूट्रन का काम कर रहा है, टू न्यूट्रन का काम कर रहा है हार्ट, जो टू न्यूट्रन का काम कर रहा है मींस ब्लड को ले जा रहा है यहां से बाहर को। लेकिन व्हाट विल हैपन नाउ कि सपोज करिए कि हमारे जो हार्ट है इसमें क्या हुआ, ये जो हमारी आर्टरीज है ये किसी कारण हमारी क्या होगी, ब्लॉक होगी, तो ये ब्लड आगे नहीं जाएगा। जब ब्लड आगे नहीं जाएगा तो हार्ट जो है वो कोशिश करेगा क्या करने की, इसको पंप करने की। जब पंप करेगा तो उसको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ब्लड ब्लड की स्पीड बढ़ जाएगी। जब ब्लड की स्पीड बढ़ जाएगी तो ब्लड की अगर वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो क्या कम हो जाएगा, उसका प्रेशर कम हो जाएगा। वेलोसिटी बढ़ने से प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाएगा अभी से। अब यहां से स्पीड बढ़ेगी प्रेशर। अब कई बार क्या होता है ड्यू टू एज या हम लोग जो खाते पीते हैं उससे यहाँ पे प्लेक आ जाती है, यहाँ से यहाँ पे कुछ प्लेक आ गई, मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया आप लोगों का, यहाँ पे आर्टरीज में कुछ दिक्कत आ जाती है। जब आर्टरी में दिक्कत आ जाएगी तो क्या होगा, देखिए यहां से हार्ट पंप करेगा इसे ब्लड को, जब पंप करेगा तो इसकी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होगी, छोटी होगी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलती है, अगर छोटी हो जाएगी तो उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगी, अगर वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो एक चीज और हो जाएगी, प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा इसका कम हो जाएगा। अब मान लीजिए बाहर का जो प्रेशर है वो कुछ और है और अंदर का प्रेशर कम हो गया, बट विल हैपन ये और कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी और क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। अब और इकट्ठी होगी तो और वेलोसिटी ब्लड की बढ़ गई, अगर ब्लड की वेलोसिटी और बढ़ गई तो ये और इकट्ठी हो जाएगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो और इकट्ठी हो जाएगी, मींस इकट्ठी होती जाएगी। इकट्ठी क्यों होती जाएगी, क्योंकि बाहर का प्रेशर बढ़ता जाएगा और अंदर का प्रेशर कम होता जाएगा एज पर बर्नौली थ्योरम, बिकॉज वी नो कि जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है, मींस वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम होगा। जैसे कम इसमें प्लेक आ गई है कुछ आ गया तो इसमें रुकावट आना शुरू होगी, हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, हार्ट को ज्यादा काम, क्योंकि जो इधर से आएगा ब्लड हटेगा तो उसको धक्का मारेगा इट हैव टू अप्लाई मोर प्रेशर, हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा। जो जहां पे दो न्यूटन से काम था उसको पांच न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी। जैसे हम लोग दौड़ लगाते हैं, देखिए चलो बहुत बाद में डिस्कस, अब ज्यादा काम करने पड़ेगा, जब ज्यादा करने पड़ेगा तो इसकी वेलोसिटी और बढ़ेगी, वेलोसिटी और बढ़ेगी प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगी तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर कम होगा तो ये और इकट्ठी हो जाएगी, एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये बढ़ती जाएगी, ऐसी हो जाएगी। अगर ये ऐसी हो जाएगी तो क्या होगा, यहां से ब्लड फ्लो नहीं होगा, अगर ब्लड फ्लो नहीं होगा तो व्हाट इज दैट कॉल्ड, हार्ट अटैक। तो आदमी को क्या पड़ सकता है, हार्ट अटैक, क्योंकि यहां से ब्लॉक हो गई है, जब ब्लॉक हो गई तो आपका ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, जब सप्लाई नहीं हो रहा है तो हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, हार्ट इतना काम नहीं कर पड़ा, हार्ट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, वो पंप नहीं कर पाएगा तो इट विल गेट स्टॉप्ड। तो इसके लिए तो हम लोगों को सबसे पहले तो ये प्रेस करना चाहिए कि वी हैव नॉट टू टेक दिस टाइप ऑफ थिंग्स, दैट इज हैवी फूड्स, जंक फूड्स, इस तरह की चीजें नहीं खानी, ज्यादा घी नहीं खाना है, अगर खाना है तो उसके लिए एक्सरसाइज करनी है। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए हम दौड़ लगाते हैं, जब हम दौड़ लगाते हैं तो क्या होता है कि जो हार्ट है वो काम तो करेगा, लेकिन उस केस में क्या होगा कि हमारा जो ब्लड है उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, ब्लड की स्पीड बढ़ जाएगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम सोए रहते हैं, अगर हम सोते हैं तो क्या होता है कि ब्लड की स्पीड कम होती है और प्रेशर ज्यादा होता है। तो किस केस में, इसलिए हम लोगों को वर्जिश करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि हमें हार्ट अटैक का खतरा नहीं हो। और जब ब्रेन को नहीं मिलता है ब्लड जाता है, ब्रेन की आर्टरीज में नहीं जाएगा, वेंस में नहीं जाएगा, जो यहाँ पे छोटे न्यूरॉन्स तो भी ये हमारी शिराएं धमनी है, तो क्या होगा कि हम लोगों को क्या हो जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। तो इस तरह से दिस इज अवर हार्ट अटैक, बेसिकली हार्ट काम करना क्यों बंद करता है, क्योंकि हमारे खान पीन की वजह से ये चीजें होती हैं। तो थैंक्स, हैव अ नाइस डे, और आई थिंक यू लाइक माई लेक्चर, तो वी विल मीट टू द नेक्स्ट लेक्चर नाउ। ओ थैंक्स, हैव अ नाइस डे।